वाओ, एनिड ने खुद के लिए एक नई कार खरीदी है, ये कूल है। और यहाँ अपनी नई कार में वेंसडे है। अरे उसने भी मेरी तरह की कार खरीद ली है। नहीं, तुमने मेरी तरह की ली है। लड़कियों चलो लड़ो नहीं, तुम्हारी कारें बहुत अच्छी हैं। इस बहस में क्यों पड़ना कि पहले किसने खरीदा। ओ, लगता है चुनौती शुरू हो रही है। ला 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 ला, मेरा रेनबो पार्सल आ गया है। वह क्या कर रही है, क्या यह कार को सजाने के लिए है? यह सही है, मैं एक रेनबो यूनिकॉर्न कार बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे बस एक नरम रेनबो कालीन लटकाना होगा। पूरी कार को कालीन से ढकना जरूरी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी और वेंसडे की कारें एक जैसी हों। ओ हाँ, पहियों पर रेनबो के बारे में नहीं भूलना है। और एक सींग के बिना कैसा यूनिकॉर्न। और यह तैयार हो गया। वाह एनिट, तुम्हारी कार बहुत ही जादुई और सुंदर लग रही है। वेंसडे तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल, मैं इस रेनबो पागलपन पर कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मैं भी कार को अपने अंदाज में सजाऊंगी। बस केवल अपनी जरूरत की हर चीज को ऑर्डर करना है और अपना काम हो गया। वाह कुरियर आ भी गया, और ये भी इतनी जल्दी। ओह यह कौन है? हाँ यह क्वेंटिन है, वह काउंट ड्रैकुला के लिए काम करता है। धन्यवाद। अच्छा तो मेरे पास क्या है? ब्लैक स्प्रे, मेरे फेवरेट काले रंग में कार को जल्दी और सफाई से पेंट करने का एक अच्छा विकल्प। वह सफेद भयानक लग रहा था। अब यह तैयार हो गया। बेशक मुझे सजाने के लिए कुछ चाहिए। मुझे एक वैम्पायर कार चाहिए। क्विंटन मेरी प्रेरणा है। आइए सबसे महत्वपूर्ण बात न भूले, नोकीले दांत। मेरी कार इतनी डरावनी होगी कि डर के मारे सांसें रुक जाएंगी। यह किस तरह का अंधेरा है? ओह क्या यह वेंसडे की नई स्टाइल की कार है? वेंसडे एनिट, तुम्हारी कारें बहुत अच्छी लग रही हैं। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। एनिट क्या तुमने फिर से कार के लिए कुछ ऑर्डर किया? हाँ ये छोटी चीजें हैं, कार के इंटीरियर के लिए कुछ खिलौने, नहीं तो ये अंदर बोरिंग होगा। मैं सीटों पर रेनबो कारपेट लगाऊंगी। ओ यार पे कितने मुलायम और सुंदर है। चलो पीछे की सीटों के बारे में भी नहीं भूले, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आमतौर पर पीछे बैठते हैं, ये उन्हें जरूर पसंद आएगा। चलो स्टीयरिंग व्हील कवर को ना भूले, नरम मेरी पूरी कार की तरह। यहाँ ज्यादा रेनबो कारपेट नहीं है, इसलिए थोड़ा और कवर करना बुरा नहीं होगा। मेरा फेवरेट हगी वगी, कोई भी ट्रिप इसके बिना नहीं हो सकता। हमें रेनबो यूनिकॉर्न और दूसरे सॉफ्ट टॉय के बारे में नहीं भूलना चाहिए। बहुत कम काम बचा है और मेरी कार पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। वाव एनिट, तुम्हारी कार का इंटीरियर बस कमाल का लग रहा है। मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ूंगी, मैं भी इंटीरियर करूंगी और इससे कहीं सुंदर। मेरे पास अपनी सीटों के लिए काला कारपेट है। चलो इस पर बहुत सारे काले तकिए डाल देती हूँ और मेरा फेवरेट हगी वगी डाले, जो हाल ही में जल गया था और काला हो गया है। चलो स्टीयरिंग व्हील कवर को नहीं भूले। मैं अभी से ही कल्पना कर रही हूँ कि मैं रोड पर गाड़ी चलाऊंगी और मेरे हाथ इस नरम स्टीयरिंग व्हील पर होंगे। बहुत कम काम बचा है, यहाँ मेरा दोस्त रहेगा लटका हुआ। बस और कॉबवेब्स भी लगा देती हूँ, यहाँ खोपड़ी लगा देती हूँ, मकरी खोपड़ी सब एक साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? तुम्हारे इस इंटीरियर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ओह क्या वो तुम्हारा एक और दोस्त है? ओह यह क्या है, हेलोवीन? ओह यह कितना भयानक है। क्या तुम मेरे दोस्त से मिलोगी? हेलो वेंसडे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वेंसडे तुम वहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम कुछ ठीक कर रही हो? ठीक, मुझे वक्त चाबी दे दो। हाँ ठीक, जल्दी। धन्यवाद। ओ एनिड हाय, तुम कैसी हो? वेंसडे यहाँ कुछ कर रही है, पर हमें अभी तक पता नहीं कि क्या। हाँ अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। थिंक की, अरे थिंक कहाँ है? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी आलसी, बस काम ना करने का कोई बहाना चाहिए। एक बार मैंने मदद मांगी और तुम भाग गए। तुम कहाँ हो बदमाश? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाहर आओ, वह कहीं नहीं मिल रहा है। क्या वह नर्क में चला गया? थिंग मैं तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स के पास भेज दूंगी। ओ यह बीच सड़क पर कैसी लाइन है? अजी वे किस लिए खड़े हैं? एनिट यहाँ क्या हो रहा है? हेलो वेंसडे, मैं और थिंग ने मिलकर ट्रंक में ब्यूटी सैलून खोला है, तुम्हें कैसा लगा? थिंग तुमने क्या किया, तुमसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।
मैंने काफी दिनों से अपनी ट्रंक के गुलाब की कटिंग नहीं की है। अभी जबकि मेरे पास समय है तो मुझे ये कर लेना चाहिए। मेरे गुलाब की महक अद्भुत है, मेरी मम्मी खुश हो जाएगी। कितना सुंदर है, मुझे लगता है कि यहाँ केवल मेरा प्यारा खरगोश गायब है। ओ वेंसडे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं डर गई थी। तुम्हारा खरगोश एकदम बर्फ की तरह सफेद दिखता है। चलो देखते कि मेरे पास ट्रंक में क्या है। क्या तुम चाहती हो? बेशक, हुर्रे, वेंसडे की यहाँ पार्टी है। तो तुम्हारे पास यहाँ क्या है? रुको, तुम्हें अपनी आँखें बंद करनी होगी। कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास ऐसे अवसर के लिए एक रेनबो स्कार्फ है। मुझे सरप्राइजेस पसंद है। ओ एनिट, तुम्हें यह सरप्राइज पसंद नहीं आएगा। यह सब कुछ बहुत ही डरावना और भयानक है। ओह, मैं भूल गई, यह वेंसडे का ट्रंक है और ऐसा होना स्वाभाविक है। एनिट, जरा संभल कर, यह सब बहुत डरावना लग रहा है। मुझे उम्मीद है अगर सांप नहीं तो चूहे तुम्हें जरूर खुश करेंगे। वहाँ क्या है? कुछ नरम। कितना दिलचस्प है वेंसडे। मुझे वास्तव में सरप्राइजेस पसंद है, इसलिए मुझे बताना। मैंने कुछ नरम और छोटा पकड़ लिया है। क्या ये खिलौना है? एक मिनट रुको, यहाँ क्या है? यहाँ कुछ स्लाइमी है, मुझे सांप की तरह लग रहा है। लेकिन वेंसडे के पास कहाँ से आएंगे? अरे नहीं, ये क्या सांप? मुझे सांप से डर लगता है। क्या कह रही हो? सांपों से डर लगता है? हुर्रे, वेंसडे अब अपना सेलो बजाने जा रही है। मैं काफी दिनों से सुनना चाहती थी। मेरे कानों में कैसी अब भयानक आवाज आ रही है, बंद करो इसे। केवल एनिडी ऐसे टॉर्चर म्यूजिक को सुन सकती है। मैं इसे अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी चालू नहीं करूंगी। क्या अच्छा है कि मैंने अपने ट्रंक में नए स्पीकर खरीदे हैं। बॉब, चलो तुम्हें दिखाए कि असली म्यूजिक क्या होता है। वाह, क्या हम कोई म्यूजिक कॉम्पिटिशन कर रहे हैं? कितना अच्छा। एनिट कैसे जवाब देगी? यह क्या है? क्या बिल्लियाँ खिड़की के नीचे चिल्ला रही हैं? वेंसडे अपने सेलो के साथ। वेंसडे, तुमने मेरे दोस्तों को डरा दिया है। क्या हम इसे शांति से कर सकते हैं? यह क्या है? थिंग, क्या तुम इस म्यूजिक को बना रहे हो? मैंने तुम्हें एक शांत और अधिक क्लासिकल सिम्फनी सिखाई थी और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी तुरंत डांस करना चाहती हूँ। ओह नहीं एनिट, खैर मैं मानती हूँ कि यह राग बहुत अच्छा है। मुझे भी डांस करने का मन है। लड़कियों, कितना अच्छा, तुम्हें साथ में कुछ पसंद आया। म्यूजिक सभी को साथ ले आता है। थिंग, तुम एक जीनियस डीजे हो। हेलो दोस्तों। वाओ, वाओ, यह आइसक्रीम मुझे भी चाहिए। वह कौन आया है? हेलो, क्या हालचाल है? कितना हैंडसम है। हेलो, क्या हो गया? अच्छा है, अब मैं आराम से तुम्हारा आइसक्रीम खा सकता हूँ। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये मेरा है। वाह, अब ये आइसक्रीम मेरा है। बहुत अच्छा, दूसरों की चीजें नहीं चुरानी चाहिए। बहुत स्वादिष्ट था। ये किसने किया? तुम इतनी खराब क्यों हो? अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। चलो देखते हैं अंदर क्या है। हाँ बस इतना ही, हम तीनों के लिए सिर्फ एक कुकी। एक्सक्यूज मी, ये काफी नहीं है। okay. हम क्या करेंगे? okay. ओ, मुझे पता है, चलो कार्ड उठाते हैं। ओ, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, बुरा हुआ। अगर मैं जल्दी से कर लूँ तो? नहीं, तुम हमारे कुकी नहीं छू सकते हैं। okay. अब मैं कार्ड उठाती हूँ। ये मैं इसका बाइट ले सकती हूँ। अच्छा, मतलब मुझे चाटना होगा। मुझे खाने का मन था। आज किस्मत वाली सिर्फ मैं ही हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। सामंता, मैं पहले जा सकती हूँ? हाँ, तुम्हें खाना थोड़ी ना है। खा नहीं रही हूँ, पर मैं इसका सबसे स्वादिष्ट फ्रॉस्टिंग चाट सकती हूँ। क्या तुमने थोड़ा भी नहीं छोड़ा? चिंता मत करो, अब तुम ये मेरे थूक के साथ खाओगी। यह लो, अब तुम इसके मजे लो। कितना भयानक। छी छी, ऐसा लग रहा है कि किसी कुत्ते ने मेरा मुंह चाट लिया हो। अरे यार, मेरे ऊपर क्यों फेंका? उफ। चलो खोलते हैं। क्या इस बार मैं करूं? okay. देखते हैं अंदर क्या है। ओ, लगता है ये कैक्टस है।
शायद ये चॉकलेट हो, देखना होगा। नहीं, चुप गई, ये असली है। अरे कितना बुरा, मुझे पता है मैं मदद कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ कुछ बैंडेड है, तुम्हें इसकी ही जरूरत है। धन्यवाद जैक, तुम एक अच्छे दोस्त हो। लगता है अब समय आ गया है कार्ड उठाने का। ओके। वो ठीक है, ये बहुत अच्छा, मुझे ये नहीं छूना होगा, मुझे चाटना होगा। और मुझे इसका बाइट लेना होगा, क्या हो रहा है। चलो फिर तुम शुरू करो। मैं क्यों? तुम शुरू करो, नहीं तुम। क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? ये तुम्हारा है, नहीं तुम्हारा। बस बहुत हो गया, क्यों ना रॉक पेपर सीजर खेलकर मामला सुलझा ले। ओके। अच्छा आइडिया है, रॉक पेपर सीजर। मैं जीत गई। तो जैक तुम्हें पहले ये चाटना होगा। अरे यार ठीक है। कितना दर्द हो रहा है, ओ बेचारा जैक। अरे ये बस मजाक था, देखो ये जीव असली नहीं है। कितने शरारती हो तुम, चलो अब असल में इस कैक्टस को चाटो। ठीक है, वैसे मैं रिस्क भी उठाऊं अगर मैं इस कैक्टस को एकदम ठीक कर सकता हूँ। अब ये बिल्कुल कटीला नहीं होगा। अरे ध्यान से, हाँ सीधा उड़कर हमारे ऊपर आ रहे हैं। मैं कांटों में ढक गई हूँ तुम्हारी वजह से जैक। अब मैं आराम से इस कैक्टस को चाट सकता हूँ और एम्बर इसका बाइट लेगी। हाँ खा कर देखती हूँ। मेरा कोई काम भी नहीं था पर फिर भी मैं कांटों में ढकी हुई हूँ। जैसा भी हो कैक्टस का स्वाद बहुत बुरा होता है। फिर से मेरे ऊपर क्यों, क्या हो रहा है। सब एम्बर ने किया है। यह कैसी बदबू है, लगता है ढक्कन के नीचे से आ रही है। पता लगाना होगा अंदर क्या है। ओके। इसी बात का डर था, यह मछली है। छी कितना बुरा, उफ बहुत खराब। कार्ड उठाना होगा। उफ मुझे ये चाटना होगा। ये मुझे कुछ नहीं करना है, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। यह क्या हुआ, घर छोड़ो। ओके। तो फिर मुझे यह खाना होगा। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ तुम्हें करना ही होगा, पर चलो पहले मैं चलता हूँ। यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। मुझे डर लग रहा है पर यह करना ही होगा। एक मिनट रुक जाओ, हम इंतजार नहीं करेंगे, मैं मदद करती हूँ। अब यह जल्दी कर रहा है। छी कितना गंदा। तुमने हिम्मत कैसे की, मैं बदला लेकर रहूंगा। ये लो अपनी मछली खाओ। ये तुमने क्या किया, मैं तैयार नहीं थी, मुझे उल्टी हो जाएगी। उफ कितनी बदबू आ रही है। पर बस इतना ही नहीं है, अभी भी आधी मछली बची हुई है। मुझे छोड़ दो यार। ओह चोट लग गई, या क्या किया। चलो खोलते हैं। हाँ चलो। वाह कितना बड़ा केक, मुझे ये खाने का बहुत मन है। रुक जाओ पहले कार्ड लेने होंगे। ओके। और ये तैयार है, ये लो। वाह मैं चाट सकता हूँ, ये मैं खाऊंगी। उफ मुझे कुछ नहीं मिला, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं भी केक खा कर रहूंगी। ओ कितना स्वादिष्ट है, मैं तो ये दिन भर खा सकती हूँ। हाथ दूर रखो, ये तुम्हारा केक नहीं है। शेयर तो कर सकते हो। नहीं ये हमारे लिए भी काफी नहीं है। क्या तुम भूल रहे हो, केक मेरा भी है। कितना स्वादिष्ट। बस जैक अब तुम्हारा हो गया। तुम क्या कर रही हो। ओ, मेरे नाक पर केक है, बहुत अच्छा।
ही कह रहे थे, यह केक कमाल का है। सुनो सामंथा, क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगी? प्लीज। मैं कैसे दूं, यह केक मेरा है। अच्छा ऐसा है, तो यह लो। यह क्या किया? अब तुम यह लो। अरे मत फेंको। तुम दोनों मस्त लग रहे हो। पता नहीं अंदर क्या होगा। ओ, लगता नहीं कि इसका स्वाद अच्छा होगा। यह कितना खराब है, बहुत बुरा। मुझे ये खाना होगा। ये मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे क्या मिला है? ठीक है, इसे चाटना मुश्किल नहीं होगा। अगर मैं अपनी नाक पर पिन लगा लूँ, सच में कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर पिन हटा दिया जाए तो तब मजा आएगा ना। उफ, कितना गंदा। मेरी पिन वापस दो। जैक, अब तुम चलो। अरे नहीं, मैं ये नहीं खा सकता। ये बहुत खराब है। पर खाना ही होगा। मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? चलो, मैंने खा लिया। आखिरकार ताजी हवा। हाँ, कितना अच्छा। तुम दोनों ज्यादा जल्दी खुश हो गए हो। अरे नहीं, फिर से वो बदबू। मुझे बचाओ, मैं गिर रही हूँ, बचाओ। उप्स, मैंने कुछ नहीं किया। चलो साथ में देखते हैं। वाह, हब्बा बब्बा। हाँ, और अब बस कार्ड लेना बाकी है। मुझे क्या मिला है? What? Oh, no! मैं नहीं खा पाऊंगा। और मैं इस गम का पूरा मजा लूंगी। बहुत बढ़िया। चाटना? पर गम को तो चबाया जाता है। यह लो, पकड़ो, तुम पहले चलो। हाँ, क्यों नहीं। आशा है यह स्वादिष्ट होगा। वाह, बिंगो। पर मैं सिर्फ इसे चाटू ही क्यों, अगर इसे पूरा खोला जा सकता है। यह जरूर और अच्छा होगा। तुमने ये पूरा बर्बाद कर दिया। बस बहुत हुआ, यह मुझे दे दो। अब ये कितना गंदा हो गया है। मुझे तो स्वादिष्ट लगा। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी। बहुत ही खराब है। अरे, पर मैं इसके साथ क्या करूंगा? सभी को हेलो। आखिरकार हम चुनौती शुरू कर रहे हैं। और मैं अभी बदकिस्मत निकला, मुझे गम का सिर्फ एक पैकेट मिला है। और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। मेरे पास तो इसका पूरा गुच्छा है। एलेक्स, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है। लेकिन तुम पहले अपना गम खा सकते हो। ठीक है, कम से कम कुछ अच्छा। मुझे हब्बा बब्बा बहुत पसंद है, खासकर बबल गम के स्वाद वाला। ये तुम क्या कर रहे हो? च्युइंग गम तुम्हारा है और मुझे कचरा उठाना है। अब तुम देखो। ओ, चलो गुस्सा मत करो। बेहतर होगा कि तुम देखो कि मैं कैसा बबल बना रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम बबल से खेल सकते हो? लेकिन इसके लिए तुम्हें इसमें मास्टर होना होगा। वाह, सच में बहुत बढ़िया। एलेक्स, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन अब गम चमाने की मेरी बारी है। सबसे पहले मैं रैपर से छुटकारा पाऊंगी। मैं एक टेक्निक भी जानती हूँ जो मुझे बहुत मदद करेगी। वाह, बहुत बढ़िया। और अब उन्हें खाने का समय आ गया है। लिड वैक्यूम क्लीनर एक्टिवेटेड। अरे वाह। और अब देखो कि वास्तव में एक बड़ा बबल क्या होता है। ना, ऐसा कोई बबल नहीं रहने दूंगा जो मेरे से बड़ा हो। यह क्या किया? भयानक, तुमने न केवल मेरा बबल फोड़ दिया बल्कि अब मेरी भौहें भी निकल आईं।
अब मैं कैसे रहूंगी? उन्हें वापस चिपका दो। ठीक है, मैं थोड़ा घबरा गई। अब ठीक है मिला, अब गम जमाने की बारी तुम्हारी है। आखिरकार रैपर से छुटकारा पाने के लिए मैंने एक विशेष मशीन तैयार की है। वाह, बहुत ही प्रभावी तरीका। और अब इन्हें एक एक करके खा सकते हैं। क्या तुम वास्तव में शानदार बबल देखने के लिए तैयार हो? तो चलो चलते हैं। मेला, बस करो, ये बहुत बड़ा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? मेरे पास एक आइडिया है। हमें बबल को गुलेल से फोड़ने की जरूरत है। एलेक्स, शूट करो। मैं ही क्यों? क्योंकि नहीं तो मिला अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। जल्दी करो। तुम्हें कुछ नहीं आता, मुझे खुद ही सब करना पड़ेगा। बेटा, तुमने अच्छा किया, पर अब हम मुसीबत में हैं। मुझे तो लग रहा था कि अब मुझे चिड़ियों से दोस्ती करनी होगी। तुम लोगों को देखकर मुझे खुशी हो रही है। मेरे पास केवल एक अनार है और मेरे पास पूरे पूरे 10 है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है, जरा मेरे ढेर को देखो। लेकिन मेरा अधिक स्वादिष्ट है। मिला, तुम पहले खाओ। हुरे, मुझे अनार बहुत पसंद है। जरा देखो कि इसके अंदर के बीज कितने स्वादिष्ट लगते हैं। हालांकि वे खाने के लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है, लेकिन इस तरह के छोटे ट्रीट्स के लिए मेरे पास हमेशा ट्वीजर होते हैं। ये स्वादिष्ट और सुविधाजनक है, और अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत नहीं होगा। बेहतर होगा कि मैं बीज को एक प्लेट में रख दूं और फिर सब कुछ एक ही बार में खा लूं। हाँ, इस तरह से ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ठीक 120, ये बहुत अच्छा है। तो यह मेरे लिए पहले की तुलना में 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। हालांकि मेरे पास केवल एक अनार था, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। सबसे पहले अनार को खोलना होगा। यह आसान होना चाहिए। इसे तोड़ता हूँ। कितना भयानक। एलेक्स, अब तुम कितने खूंखार दिख रहे हो। खूंखार दिखना अच्छा नहीं है, लेकिन अब यह अनार तो बस कमाल का है। बहुत स्वादिष्ट। एलेक्स पागल हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एक स्वादिष्ट अनार खा रहा हूँ बस। बेटा, अब तुम समय बर्बाद मत करो और अपना अनार खाओ। बिल्कुल, अब ये मेरे ढेर सारे अनार खाने का समय आ गया है। मिला, मुझे चाकू चाहिए। हाँ, ये लो। सिर्फ अनार खाना बोरिंग है, लेकिन उनमें से स्वादिष्ट जूस बनाना मजेदार से भी ज्यादा है। देखो मेरे पास कैसा जूसर है। वाह, इतनी बड़ी मशीन। एक बड़ा जूसर और ढेर सारे अनार से हम बहुत सारा जूस बना सकते हैं। बस उसे देखो, वो मुझे इसे जल्द से जल्द पीने के लिए कह रहा है। क्या ये स्वादिष्ट है? बहुत। अब तुम्हारे चेहरे पर भी पूरा जूस लग गया है बेटा। यह कोई समस्या नहीं है, हम इसे आसानी से और आराम से छुटकारा पा सकते हैं। अफसोस, मेरे पास कोला का केवल एक ही कैन है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। देखो मिला को कितने सारे मिले हैं। हाँ देखो, मेरे पास कोला के कैन का एक पूरा टावर है। लेकिन फिर भी मैं पहले पीऊंगी, कम से कम मैं किसी चीज में तो भाग्यशाली हूँ। कोला हमेशा स्वादिष्ट होता है। और इसके बाद पेट हमेशा बातें करता है। मुझे एक अच्छा आइडिया आया है कि कोला के अपने सभी डब्बे एक बार में कैसे पिया जाए। इसे खोलने की जरूरत है और उसके बाद मुझे एक विशेष स्ट्रॉ की आवश्यकता होगी, जिसे मैंने हाल ही में बनाया है। वाह, यह अच्छा आइडिया है। आखिरकार कोला बहुत स्वादिष्ट होता है। ओ, लगता है कुछ बाहर आना चाह रहा है।
यह डकार बहुत पावरफुल थी। तुम्हें क्या लगा, मैं भी कोई हस्ती रखता हूँ। और मुझे पेप्सी ज्यादा पसंद है, और मुझे एक जार मिला भी है, कितना अच्छा। क्यों, अब सब कुछ गिर जाएगा। तो क्या, इसे गिरने दो, कम से कम अब मुझे ऊपर के लाइन तक नहीं जाना होगा। शर्त लगा लो कि मैं कोक के सारे डब्बे एक ही बार में पी जाऊंगी। हम तुम पर विश्वास करते हैं। बस हम पर कचरा मत फेंको। बिल्कुल, ये कैंस है और ये चेहरे पर पड़ने पर दर्द होता है। मुझे माफ करो, मैं बस रुक नहीं सकती। मेला, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुमने अपना पेट देखा है? हाँ, ये सब गैस है। अपने आप को बचाओ, अगर बचा सकते हो तो, ये एक इमरजेंसी है। मिला ने डकार मारी। ओ मिला, कोई और कोक नहीं। मुझे और नहीं चाहिए, यह मुझ में फिट नहीं होगा।